सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत दे दी है। जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जमानत पर बाहर आकर राजनीति करने वाले सिसोदिया पहले नेता नहीं हैं। देश के 7 बड़े नेता अभी जमानत पर हैं और राजनीति कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक को छोड़कर सभी नेता विपक्ष के हैं और इन सभी पर 2014 के बाद ही मुकदमा दायर हुआ। जमानत पर बाहर आए राजनीति करने वाले एक नेता पार्टी के प्रमुख, 2 नेता मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम हैं। इन नेताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम देश के सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष के नेता रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। कांग्रेस संसदीय पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के केस में जमानत पर हैं। दोनों पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति में हेरफेर का आरोप है। दोनों ही नेताओं को साल 2015 में दिल्ली की निचली अदालत ने जमानत दी थी, तब से दोनों बाहर हैं। हेराल्ड केस का 2012 में खुलासा हुआ था। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल समेत कांग्रेस के 8 नेता ईडी की रडार पर थे। प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड केस में अब तक 830 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इस लिस्ट में दूसरा नाम पी चिदम्बरम का है। पी चिदम्बरम देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी। पी चिदम्बरम जमानत पर बाहर हैं। चिदम्बरम INX मीडिया घोटाले में आरोपी हैं और उन्हें 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को जमानत दे दी है। चिदम्बरम अभी राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से रणनीति तैयार करते हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव का है। लालू यादव 4 घोटाले मामले में सजाए फफ्ता और लाइन फॉर जॉब स्कैम में आरोपी लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर हैं। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से जमानत मिली हुई है। हाल ही में उनके जमानत के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने से इनकार कर दिया। लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं। इनकी पार्टी बिहार में नंबर 2 की पार्टी है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी जमानत पर हैं। सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था। जून 2024 में हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की जमानत को बरकरार रखा था। इस लिस्ट में 5वें नाम आता है कांग्रेस के बड़े नेता, साउथ की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिवकुमार। शिवकुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं और वो अभी जमानत पर बाहर हैं। डीके पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उन्हें सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के 50 दिन बाद शिवकुमार को जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने शिवकुमार के खिलाफ दाखिल केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। मामले की जांच अभी भी जारी है। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जमानत पर हैं। देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली का मामला है। उन्हें दिसंबर 2022 में मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। देशमुख तब से राजनीति में एक्टिव हैं और शरद पवार की पार्टी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस लिस्ट में 7वां नाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का है, वो भी जमानत पर चल रहे हैं। उन पर कौशल विकास मामले में धांधली का आरोप है। नायडू को जनवरी 2024 में नियमित जमानत मिली थी। उनकी पार्टी इस मुद्दे के सहारे चुनाव में गई और जीत गई। वर्तमान में नायडू केंद्र की एनडीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है।